शमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। बिग ब्रेकिंग इज मैनपुरी, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। योगी जी के नेतृत्व में पीएम की योजनाएं धरती पर उतारने का काम बड़ा सकारात्मक हुआ। अगले 25 वर्ष तक अमृत काल रहेगा, धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, जो यहां नहीं हुआ शायद कुछ और विकल्प रहा होगा। उनका समय आ गया ही समझ में आ जाएगी। 75 देश ने स्वीकार किया है कि पीएम को समाजवादियों को गर्व करना चाहिए। पीएम पर भारतीय मूल का व्यक्ति विश्व का सबसे प्रिय नेता है। एसपी व कांग्रेस के भी नेता है पीएम। रिपोर्ट संवाददाता राज्य की खास रिपोर्ट। अपडेट मिला ये हमारे लिए एक बड़ी हर्ष और गर्व की बात है। अरे नीचे ने रखा और द्वारा प्रारंभ की गई तमाम जिनका अधिकतर जो महिलाएं हैं, शिशु हैं, बच्चे हैं, वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पंचायत पंचायत तक पहुंचे और माननीय योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी की योजनाओं को धरती पर उतारने का कार्य बड़े सकारात्मक ढंग से हुआ। मोदी जी अक्सर ये कहा करते हैं कि अगले 25 वर्ष अमृत काल रहेगा। 25 वर्ष के बाद जब स्वतंत्र भारत अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा। तो यही माताएं बहनियाँ, यही इनकी कोख से जन्मे ये बच्चे हैं जो उस ऊर्जा, उस सामर्थ्य का स्रोत होंगे जो भारत को अगले 25 वर्ष की यात्रा पर ले जाएगा। इसलिए इनका सशक्तिकरण करना, इनके पोषण, इनके स्वास्थ्य और इनकी स्वच्छता का ध्यान रखना हमारे लिए राष्ट्र सेवा के बराबर है। मंत्री जी, क्या समझा जाए, बड़ी संगठन ने आपको जिम्मेदारी दी है। कुछ माह पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें एक केंद्रीय मंत्री ने सैफी परिवार की चूरे हिला दी, एक पार्टी एक सीट भी कब्जा कर ली। क्या माने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का है, उसमें रणनीति के तहत मैनपुरी जनपद की जो प्रमुख सीट सपा की है जिसे हम राष्ट्रीय निश्चय ही धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा जहाँ नहीं हुआ था, और जिन्होंने ये सोचा था कि शायद कुछ और विकल्प उनके ध्यान में, उनको भी समझ आ जाएगा। आपको ही, आप ही ने रिपोर्ट किया अभी दो दिन पहले कि विश्व स्तर का एक सर्वे हुआ जिसमें विश्व ने ये स्वीकार किया कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 75% मतदान से यदि कोई है तो मोदी जी। मैं तो लगता है कि समाजवादियों को भी गर्व करना चाहिए मोदी जी कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो वो मोदी जी तो अब समाजवादियों के भी नेता है, कांग्रेस वालों के भी नेता है, वो विश्व के नेता है। आज कौन सा मंत्र दिया है आपने बैठक के दौरान? यही मंत्र कि मोदी जी केवल किसी पार्टी विशेष के लोकप्रिय नेता नहीं है, हमारे तो है ही, हमारे लिए वो एसेट है, हमारे हम तो हमारे लिए वो मार्गदर्शक भी हैं, हमारे गाइड भी हैं। हमें फख्र है कि हमें गर्व है कि हम उस संगठन से संबंधित है जिसके मुखिया मोदी जी हैं। लेकिन आज विश्व मान रहा है 75% एक्नॉलेजमेंट रेटिंग के साथ कि विश्व भर के नेता मोदी जी हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें समाजवादी पार्टी भी। आखिरी सवाल आपके सर, भ्रष्टाचार के तहत आपने 500 करोड़ रुपए ट्विन टावर को गिरा दिया, क्या उन अधिकारियों से वसूली होगी सर?